सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले रियल मी XT का फिंगरप्रिंट टेस्ट, और इसमें आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा कि फिंगरप्रिंट मतलब एनिमेशन को कैसे चेंज करते हैं और ये फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है। तो देख सकते हैं मेरे पास रियल मी का XT है, इसको मैंने कुछ ही दिन परचेस किया, मतलब ये मेरा तो नहीं है, ये मेरे भैया का है। तो मैं इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी किया हूँ, मतलब उसका वीडियो तो हो गया मेरा शूट, अब उसको बस एडिट करके अपलोड करना है। तो आप लोग अभी इस वीडियो में शॉर्टली दिखाता हूँ कि इसका इंडिविजुअल फिंगरप्रिंट कैसे वर्क करता है और इसका एनिमेशन को कैसे चेंज किया जाता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को ऐड करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा सेटिंग में, ठीक है। तो सेटिंग में जाते हैं पहले। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे आप फिंगरप्रिंट एंड लॉक स्क्रीन शायद दिखाएगा, फिंगरप्रिंट फेस एंड पासकोड। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट में जाइए, अपना पैटर्न दीजिए, और ठीक है मैंने अपना फिंगरप्रिंट डिलीट कर दिया पुराना वाला, अभी फिर से ऐड कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जब लाइट अप हो रहा है, मतलब जहाँ पे आप लोग फिंगरप्रिंट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से लाइट अप हो जाता है। देख सकते हैं मेरा फिंगरप्रिंट, मतलब मेरा फिंगर पूरा तरीके लाल हो जा रहा है, मतलब यहाँ से एकदम अच्छी तरह से लाइट निकलता है, वह अंदर जो कैमरा है उससे मेरा फिंगरप्रिंट का फोटो खींच रहा है कैमरा। तो फिर से करते हैं यहाँ पे, तो फिंगरप्रिंट सेटअप हो गया यहाँ पे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे एनिमेशन से ही आता है। तो मैंने अभी ग्रेविटी एनिमेशन को ओपन करके रखा है, मतलब ग्रेविटी एनिमेशन को मैंने क्लिक किया यहाँ पे सिलेक्ट। तो देख सकते हैं इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है, मतलब इस फ़ोन को मैंने सिर्फ 15,360 या 48 इस रुपये में ख़रीदा हूँ, तो इस हिसाब से ये बहुत ही फिंगरप्रिंट बहुत ही एकदम फास्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एकदम अच्छी तरह से काम कर रहा है मेरा, और ये बहुत ही फास्ट आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। चलो अभी से एनिमेशन चेंज करते हैं, फिर से सेटिंग में जाइए, फेस पासकोड एंड फिंगरप्रिंट में जाइए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट में जाइए एनिमेशन स्टाइल में, फिर एनिमेशन स्टाइल में यहाँ पे पांच एनिमेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पहला है द रे, ये पहले से आप लोगों को डिफ़ॉल्ट मिलेगा, तो द रे कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने अभी ठीक ठाक से फिंगर नहीं रखा इसलिए ऐसा हो रहा था, नहीं अनलॉक नहीं हो रहा था। मूनलाइट अभी देखिए, ये थोड़ा सा ये रेडमी का जो है ना MIUI 3 उस तरह से शायद दिखता है थोड़ा सा। तो मूनलाइट के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मूनलाइट के बाद यहाँ पे द ग्रेविटी ग्रेविटी मैंने सिलेक्ट करके रखा था, द फिश ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में। तो देख सकते हैं ये दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और लास्ट वाले जो कलरफुल क्लाउड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसका एनिमेशन एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे यही अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा, कमेंट करके मुझे बताइए इन पांचों एनिमेशन में से आप लोगों को कौन सा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं मैं इस फिंगर को रजिस्टर नहीं किया था तो नहीं ले रहा है, लेकिन इसका एनिमेशन देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि इसका फिंगरप्रिंट कैसे वर्क करता है और कितना फास्ट है और कितना सारा एनिमेशन इसमें है। तो आप लोगों का अगर रियलमी XT का अनबॉक्सिंग चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो इन डिस्प्ले मतलब फिंगरप्रिंट में जो फ़ोन होता है वो अगर थोड़ा सा भी हिले मिले तो इसका फिंगरप्रिंट राइज अप हो जाता है, इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। और आप लोगों का बस अगर ये इन डिस्प्ले फिंगर वाला फ़ोन है तो आप लोग उसे उल्टा करके रखिए, मतलब इसका सेंसर जब ढका रहेगा तब इसका फिंगरप्रिंट ऑन नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रियलमी XT का अनबॉक्सिंग अगर आप लोगों को चाहिए तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोगों को हमें नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।